हेलो फ्रेंड्स, दिस इज देवाशीष एंड यू आर वाचिंग डीवी कंपनी। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ओप्पो के अपकमिंग स्मार्टफोन जो आने वाला है 28 मई को इंडिया में। तो मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में, क्या कौन सा है वो फोन और क्या होंगे उसके स्पेसिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ट्वेंटी एट मई को लॉन्च होने वाला ओप्पो का स्मार्टफोन है वो है रेनो सीरीज। मीन्स उस दिन होंगे दो फोन लॉन्च ओप्पो की तरफ से। एक होगा वो होगा ओप्पो नॉर्मल ओप्पो का रेनो, और जो सेकंड होगा वो होगा ओप्पो रेनो 10X जूम। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओप्पो रेनो 10X जूम के बारे में, और ओप्पो रेनो के बारे में मैं बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। अगर मैं दोनों फोन के बारे में इसी वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा चलता जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ओप्पो रेनो 10X जूम के बारे में। तो स्टार्ट करता हूँ इस फोन के स्पेसिफिकेशन से और स्टार्ट करता हूँ इसके डिस्प्ले से। बात करूँ इसके डिस्प्ले की तो हम लोगों को मिल जाता है 6.6 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले, और इसकी जो पिक्सल काउंटिंग है वो है 1080x2340 पिक्सल्स की। और इसमें हम लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की। मीन्स हम लोगों को फोन ज़्यादा डैमेज का चिंता नहीं रहेगा। और अब बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो हमें इसमें लगा हुआ मिल जाता है 7 नैनोमीटर में बेस्ड क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर, जो काफ़ी कमाल का प्रोसेसर है। और इसके साथ आपको मिल जाता है इसमें एंड्रॉयड 9 पाई जो रन करता है इसके यूआई के साथ, जो है कलर ओएस 6। और अगर बात करें गेमिंग की तो आपको इसमें मिल जाता है UFS 2.1 टेक्नोलॉजी, और साथ ही आपको मिल जाता है गेमिंग बूस्ट 2.1 का भी सपोर्ट। मीन्स आपका गेमिंग काफ़ी कमाल होने वाला है। और अगर बात करें इसके हीटिंग की तो आपको इसमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है। मीन्स आप लॉन्ग टर्म में भी गेमिंग काफ़ी आराम से कर सकते हैं और आपको काफ़ी मज़ा आएगा, और इसमें आप बड़े बड़े गेम्स आराम से खेल सकते हैं जैसे S4 Online, PUBG और भी सारे जो बड़े बड़े गेम्स हैं Fortnite, इन सबको काफ़ी आराम से खेल सकते हैं क्योंकि इसकी जो रैम मैनेजमेंट है वो काफ़ी कमाल की है, और रैम भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। और अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो फ्रेंड्स, रियर में हमें देखने को मिल जाता है ट्रिपल कैमरा स्लॉट, और जो मेन कैमरा आपको मिलता है वो मिलता है 48 मेगापिक्सल्स का, और इसमें आपको लगा हुआ मिल जाएगा सोनी का IMX586 का सेंसर, और ये वही सेम सेंसर है जो आपको मिल जाता है 14,000 के फ़ोन में भी और 60,000 के फ़ोन में भी। मीन्स और दोनों 7 प्रो है, एक भले शाओमी का है और दूसरा है वन प्लस का। और जो सेकंड कैमरा है वो आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का, और ये है वाइड एंगल कैमरा, और ये लेगा शॉट 120 डिग्री तक का। और जो थर्ड कैमरा है वो आपको मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का, और ये है टेलीफोटो के लिए, और ये लगा हुआ है आपके फ़ोन के अंदर, और ये यूज़ करता है प्रिज्म टेक्नोलॉजी। मीन्स आपका जो लाइट है वो आता है वर्टिकल और वो कन्वर्ट हो जाता है हॉरिजॉन्टल में, और इस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी है वो लेकर आती है आपके लिए 10X तक का ऑप्टिकल जूम वाला फ़ोटो स्टेबलाइजेशन के साथ। और जो फोटो में क्वालिटी होती है 10X वाली वो आपको काफ़ी बेहतर मिल जाती है। अगर आप किसी भी नॉर्मल फ़ोन से करें तो आपका जो स्टेबिलिटी है वो पूरा ही बिगड़ जाता है और जो वीडियो है वो भी ब्लर आया रहता है। तो इसी कारण ही इस फ़ोन का जो मेन हाईलाइट है और नाम है वो है 10X ऑप्टिकल जूम। और अब बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा। फ्रंट में हमें लगा हुआ मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा F2.0 के साथ, और ये अलग ही टाइप का कैमरा है। मीन्स कैमरा तो अलग नहीं है, कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, लेकिन इसका जो टेक्नोलॉजी है वो अलग है। मीन्स आपको इसमें नॉच कैमरा नहीं मिलता इस फोन में, या आपको पॉपअप कैमरा नहीं मिलता इसमें, आपको मिलता है राइजिंग कैमरा। मीन्स आपका जो राइट फोन का जो राइट साइड है उससे एक तरफ से आपका ये कैमरा निकलेगा, और कैमरे के साथ साथ आपका पूरा पार्ट निकलता हुआ आपको लगेगा। मीन्स जो राइट साइड आपका कैमरा भी निकलेगा, उसके साथ फ्लैश भी है, और आपका जो सेकेंडरी माइक है वो भी निकलेगा। मीन्स आपका आधा पोर्शन ऐसा निकल जाएगा। और
दिखने में तो काफी कमाल लगते हैं और इसीलिए मैं इस फोन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। और जो आपका रियर का जो फ्लैश है वो भी आपको इसी में मिलता है, मीन्स अगर आप रियर से भी फोटो क्लिक करते रहेंगे और आपको फ्लैश की जरूरत है तो आपको जैसे ही आप फ्लैश में क्लिक करेंगे ये वापस से राइज अप होगा और आपको फ्लैश देगा। मीन्स अपनी ओप्पो जो है वो अपनी हर तरफ अपना ये प्रचार करना चाहता है, प्रचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉट एवर जो भी बोलते हो, हाँ मार्केटिंग करना चाहता है, उसके लिए ये चीज किया जा रहा है। और वो दिखाना चाहता है कि हमने इस तरह का कुछ डिजाइन किया है जो थोड़ा सा ऊपर होकर खुलता है और अलग एक्सपीरियंस देता है लोगों को। और मीन्स अगर आपका सेकेंडरी माइक इसमें ही लगा हुआ है, मतलब आपका कभी भी कॉल आया तो ये ऊपर हो जाएगा और लोगों को दिखेगा हाँ यहाँ पे वो निकला हुआ है। हाँ वैसे अच्छा भी है लेकिन थोड़ा सा बाद में ही आपको कटेगा। और काफी अच्छा फोन है। और अब बात करते हैं इसके बैटरी की। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बैटरी मिल जाती है 4065 mAh की, मीन्स आपकी जो बैटरी है वो काफी लॉन्ग टर्म तक काम आएगी। और इसमें आपको मिल जाता है वूक 3.0 का भी सपोर्ट, मीन्स आपका जो फोन है वो 20 मिनट में अप टू 50% से भी ज्यादा चार्ज हो जाएगा। और इसमें आपको मिल जाता है टाइप सी पोर्ट। और अब बात करते हैं इसी के राइजिंग मैकेनिज्म की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो राइजिंग अप वाला जो मैकेनिज्म है उसमें आपको लगा हुआ मिल जाता है फ्रंट कैमरा और रियर और फ्रंट का एलईडी फ्लैश। और आपको जो सेकेंडरी माइक मिल जाता है, सेकेंडरी स्पीकर मिल जाता है, वो भी आपको इधर ही लगा हुआ मिलता है। तो पता नहीं कि ये किस तरह परफॉर्म करेगा और आपके कॉल आने से अंदर से ही आवाज़ देगा या ये उठेगा। और इसका जो राइजिंग अप वाला जो टेक्नोलॉजी है वो 2 लाख से ज़्यादा बार टेस्ट किया जाता है और ये 0.8 सेकेंड में ओपन हो जाता है, मीन्स काफ़ी फास्ट है और एक्यूरेट है। और आने के बाद मतलब इसके लॉन्च होने के बाद हमें पता चलेगा कि ये कितना एक्यूरेट है। और कंपनी तो हमेशा काफ़ी अपने फ़ोन को अच्छे ही परफॉर्म में लाती है। और बात करूँ इसके ऑडियो की तो आपको इसमें लाउड स्पीकर मिल जाता है और स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाते हैं और साथ ही आपको मिल जाता है डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन, मीन्स आपको काफ़ी अच्छे जो इसमें एक्सपीरियंस है साउंड एक्सपीरियंस वो मिलने वाले हैं। और एच टू एच डिस्प्ले होने के कारण और डॉल्बी एटमॉस ऑडियो होने के कारण आपको इसमें मूवी देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसमें आपको कोई भी 3.5 mm वाला ऑडियो जैक नहीं मिलता। तो आपको जो ऑडियो मिलने वाला है ईयरफोन के लिए वो आपको मिलेगा इसके चार्जिंग पोर्ट से, मीन्स टाइप सी पोर्ट से ही। और तो ये आपको मिल जाएगा 2 कलर ऑप्शन में, जो है जेट ब्लैक और ओशन ग्रीन। और ये दोनों ही कलर आपको देंगे ग्रेडियंट फिनिश, मीन्स जो फोन है वो दिखने में काफ़ी कमाल लगने वाला है और डिज़ाइन के साथ ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ही कमाल होने वाला है। और इसकी जो प्राइसिंग होगी वो अराउंड होगी 40,000 के आसपास और ये आएगा 4 वेरिएंट्स में, जो होगा 6 GB RAM 128 GB स्टोरेज या 6 GB RAM 256 GB स्टोरेज या होगा 8 GB RAM 256 GB स्टोरेज के साथ। और हो सकता है कि ओप्पो इंडिया में 4 GB RAM वाला वेरिएंट भी ले आए, ग्लोबली तो उसने 6 GB और 8 GB RAM के साथ ही इंट्रोड्यूस किया था। और इस फ़ोन के बारे में इतना ही, मीन्स ओप्पो रेनो 10X जूम वाले फ़ोन के बारे में इतने ही। ओप्पो रेनो के बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो भी काफ़ी लंबा बन चुका है। और ओप्पो रेनो के वीडियो जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और आप बताइए कि आपको ये जो राइजिंग अप वाला मैकेनिज्म है वो कैसे लगा नीचे कमेंट में लिख कर। और काफ़ी अच्छा है ये फ़ोन और इस फ़ोन के बारे में बस इतना ही, ख़त्म करते हैं इस वीडियो। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और आप बताइए मुझे कि आपको ये रेनो 10X जूम कैसा लगा है, इसकी इमेज प्रोसेसिंग वगैरह किस तरह की होगी, आप मुझे बताइए नीचे कमेंट में लिख कर।
और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, मेरी आईडी है @dvcompany1, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर भी। और जाने से पहले कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, और ओप्पो रेनो का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं किस तरह का होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।